व्हाट इज़ अप एवरीबडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पाई गेम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पाइथन की मदद से गेम्स क्रिएट करें और अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपका ये पहला कदम अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप गेम डेवलपमेंट करने रहे तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले पाई गेम सीखना चाहिए, क्योंकि पाइथन एक सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको सिंटेक्स बहुत ही ईजी लगेगा और उसी के साथ साथ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पाई गेम, जी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी की पूरी पाई गेम सीखेंगे, शुरू से लेकर एंड तक हम सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि दो गेम्स क्रिएट करूँ, उनमें से मैं एक गेम बनाने वाला हूँ स्नेक गेम और एक बनाने वाला हूँ मैं स्पेस इन्वेडर गेम। तो अभी के अभी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम पाई गेम क्या है। तो पाई गेम की अगर हम बात करें तो मैं पाई गेम के डॉक्यूमेंटेशन पर आ चुका हूँ, जो पाई गेम की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। तो पाई गेम बेसिकली क्या है, एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसके अंदर सब मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ गेम वीडियो गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि यूज़र एक गेम क्रिएट कर पाए। अगर हम बिल्कुल ही साधारण शब्दों में कहें तो पाई गेम एक ऐसा मॉड्यूल पाइथन के अंदर है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, गेम्स को क्रिएट करेंगे, वो भी खुद से। तो फ्रेंड्स, होता क्या ना, बहुत मजा आता है जब आप खुद से कोई गेम क्रिएट करते हो, दिल को अच्छा लगता है यार कि यार हमने खुद से ये गेम क्रिएट किया, चाहे वो खेलने में अच्छी हो या ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाई गेम की मदद से हम कौन कौन सी गेम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्नेक गेम जो से रन करके आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने स्नेक गेम बनाई, और आपको भी मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं काम करता हूँ वॉल्यूम जो से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि यह क्या ना एक्चुअली ना इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, तो इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन करूँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ वो, अब ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूंगा। बोलो सट्टाधारी फक्कड़ बाबा भोलेनाथ की। समरा माँ के शिव लहरी रे, बम बम गा के शिव लहरी, फिर डमरू ठा के शिव लहरी, गोरा ने जा के शिव लहरी। तो ये हमारी जो गेम रहेगी ये सिखाऊंगा, उसी के साथ साथ हम स्पेस इन्वेडर गेम भी क्रिएट करेंगे। अब किसी भी तरह की गेम क्रिएट कर सकते हैं, बट अब कुछ लोग कमेंट करेंगे यार कि क्या हम GTA 5 भी क्रिएट कर पाएंगे पाई गेम की मदद से। तो देखो होता क्या, वो एक पूरी की पूरी बड़ी गेम है, ठीक है, उसे बनाने के लिए पता नहीं कितने प्रोग्रामर्स की जो टीम ने काम किया है, तो ऑब्वियसली आप वो बना नहीं पाएंगे, बट वो तो आप नहीं बना पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसकी, कि किस तरह से हम क्या करेंगे दूसरी सिंपल गेम्स बना पाएंगे जो कि आप खेलते हैं क्लासिक गेम्स, वो आप पक्का बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्पेस इन्वेडर बनाई है, तो ये थोड़ी स्लो इसलिए चल रही है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन किया है, बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट चलती है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने की वजह से मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये क्रिएट किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यार ये गेम्स अच्छी लग रही हैं। तो हम इन सब गेम्स को, दो गेम्स मैंने बनाई हैं, अब किसी भी तरह की गेम्स को क्रिएट कर पाओगे अगर आप इस पूरी वीडियो सीरीज को देखते हो, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से हमारे पास जो पाई गेम है वो काम करता है। तो यार आप करके आ रहे हो अभी के अभी जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ साथ क्या है कि अभी जाकर यार आप क्या करिए, बुक मार्क कर लीजिए मेरी इस प्लेलिस्ट को। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोज़ आएंगी आप सभी को क्या कर लीजिएगा, बुक मार्क कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जिसमें आपको गेम ट्यूटोरियल स्टार्ट करवाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे गेम लूप क्या होता है, उसी के साथ साथ गेम विंडो क्या होता है और टाइटल कैसे गेम का चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब या जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। मैं TK इंटर के ऊपर भी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।